नमस्कार साथियों, राजस्थान शैक्षिक समाचार 2 जुलाई। प्रदेश को मिलेंगे बाढ़ में आर एस 70 आरपीएस, 220 तहसीलदार व 145 लेखा सेवा अफसर। आर एस 2016 के 760 सफल अभ्यर्थियों को 20 माह बाद सर्विस आवंटन। 725 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। एमबीसी कोटा लागू करके कुल 35 छाया पद सर्जित किए। प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों को 11,985 टीचर्स जल्द मिलेंगे। काउंसलिंग 4 व 5 जुलाई को कराई जाएगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 1 का मामला। राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा परीक्षा कल से। प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती प्रक्रिया फिर विवादों में, कई अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए। नई भर्तियों को लेकर जयपुर में जुटे बेरोजगार, प्रदर्शन के दौरान 2 युवतियों की गर्मी से तबीयत खराब, एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षा विभाग में तबादलों का नया तरीका, संशोधन के नाम पर 4 प्रिंसिपलों के स्थानांतरण। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यूजी व पीजी में ऑनलाइन आवेदन शुरू, 5 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। प्राइवेट स्कूलों में भी होगा स्टाफ का वेरिफिकेशन। निजी संस्थानों में काम करने वाले और किराएदारों का पुलिस करेगी वेरिफिकेशन, अजमेर। स्कूलों में लौटी रौनक, बाल सभाएं आज, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं होंगी। 1.27 लाख जन प्रतिनिधि बाल सभाओं में लेंगे हिस्सा। शिक्षा मंत्री की व्यक्तिगत पहल, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की कवायद। सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं आज से। दूसरे राउंड के बाद मॉपअप राउंड में भी कर सकेंगे सीट पर आवेदन। एमबीबीएस के लिए एनआरआई सीटों का आवंटन। प्रदेश में 17,000 फार्मासिस्टों की जरूरत। चिकित्सा विभाग में 6,646 पद स्वीकृत। इतनी बड़ी संख्या में जरूरत के बावजूद भर्ती केवल 1736 पदों पर। अब सरकार से पद बढ़ाने की मांग। अनपढ़ चालकों के लाइसेंस वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। प्रशिक्षण में बच्चा साथ रखने पर आंगनबाड़ी सहायिका को रोज देने होंगे 20 रुपए। जोसा काउंसलिंग, IIT NIT के दूसरे राउंड का सीट आवंटन कल। प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों में आज होगी बाल सभा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में विभिन्न पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू विज्ञप्ति जारी। स्कूलों की तर्ज पर सरकारी कॉलेजों में भी सीवरा पंचांग। निदेशालय की ओर से पहल, विद्यार्थियों की बढ़ेगी भागीदारी। कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश लागू नहीं होंगे। आयकर छूट की बढ़ सकती है सीमा, सलाहकार संस्था KPMG के बजट पूर्व सर्वे में जताई गई उम्मीद। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 माह बढ़ाने को संसद की मंजूरी। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 सर्वसम्मति से पारित। राजस्थान बोर्ड ने जारी किए रोके गए परिणाम। शिक्षा माफिया की करतूत, स्कूली किताबों की फर्जी सूचियां निकाल कमाने के कारनामे। भ्रामक प्रचार कर मनमानी किताबें थोप रहे, 4 गुना तक अधिक राशि भुगतनी पड़ रही। छात्र अभिभावक रहे सावधान। जल संकट को दूर करने के लिए जल शक्ति अभियान। अभियान के लिए देश के 256 जिलों के 1592 ब्लॉकों का हुआ चयन। प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों में नहीं रहेंगे शिक्षकों के पद खाली। 4,819 बेरोजगारों को नियुक्ति और 7,166 की नई जिले में होगी पोस्टिंग। तृतीय श्रेणी टीचर्स की काउंसलिंग 4 जुलाई से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा केंद्रों के लिए मांगे प्रस्ताव। प्राचार्यों ने बढ़ाया उत्साह, तिलक लगा मुंह मीठा कराया। कॉलेज में पहले दिन नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए हुए कई कार्यक्रम। स्कूलों के कमरे बनवाने में केजरीवाल ने 2000 करोड़ का घोटाला किया, भाजपा का आरोप। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों का टोटा, 680 सीटों के लिए मात्र 88 आवेदन, जयपुर। एमएससी CBCS स्कीम की परीक्षा 9 से, व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में न शिक्षक लगे न किताबें आई। उदयपुर के धानमंडी में मात्र 106 बच्चों ने लिया प्रवेश। इस शैक्षणिक सत्र में 247 दिन चलेंगे सरकारी स्कूल। ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 30 जून तक। विभिन्न सेवाओं में 850 अफसरों की नियुक्तियां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को दिया तोहफा। पहली बार गुर्जर समाज की बेटियां बनी आरएस व आरपीएस। राजस्थान अधीनस्थ सेवा में एमबीसी कैटेगरी के तहत सिलेक्शन। आयु में 2004 से पहले कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। आयु में सिंडिकेट की विशेष बैठक में लिया फैसला। इस वर्ष भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में बढ़ी 50 सीट। कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा सेल कर रही है वेबसाइट, पर्सनल जानकारी हो रही है सेल। ईपीएफओ में 2000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्तियां, 21 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि। आज का भविष्यफल और पत्रिका की एग्जाम गाइड। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सबसे बेहतरीन शैक्षिक समाचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।